आज हमारे इस्कॉन न्यूटन कोलकाता में है, यहाँ पे दो भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी लोग इधर आए हैं मंदिर में, और जो नहीं मंदिर में आए हैं वो भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो इसके लिए सिंटू प्रभु बताएंगे कि कैसे बाड़ी में रह के मना सकते हैं, उनके साथ सुशांत प्रभु है। तो सिंटू प्रभु बताइए, जो भक्त नहीं आए मंदिर में वो कैसे रह के अपने बाड़ी में जन्माष्टमी मना सकते हैं? हरे कृष्ण। सुबह जन्माष्टमी सकले जन्माष्टमी का सुबह तिथि में, जन्माष्टमी का सुबह तिथि में अभिनंदन ग्रहण कीजिए। तो घर पे भी रह के आप जन्माष्टमी कर सकते हैं, आप घर पे अगर आप उपवास भी कर सकते हैं, और अगर उपवास नहीं कर रहे तो आप एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। और जो जन्माष्टमी में जो सबसे मेन जो करणीय का जो चीज़ है वो भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम का जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, गीता पाठ करना चाहिए। और अगर आपके पास भागवतम है तो दशम स्कंद से भगवान का जो जन्म लीला उसको भी आप पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको पास किताब नहीं है तो हमारा ऑनलाइन में बहुत सारे भक्त लोग जन्माष्टमी का कथा दे रहे हैं, वो कथा सुन सकते हैं। और अगर आप घर पे है तो आपके घर पे भगवान का कुछ आलेख हो और भगवान का श्री विग्रह कुछ है तो उसको आप अभिषेक करा सकते हैं। भगवान का फूल फल मिल्क का कुछ भी आइटम और भी आप कुछ भी आइटम आप घर पे बहुत शुद्ध तरीके से बना के उसमें तुलसी डाल के आपको मंत्र पढ़ के आप भगवान को भोग निवेदन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और वो अगर आपको मंत्र आता नहीं तो आप जस्ट उसको भोगा में अगर तुलसी डाल के हरे कृष्ण मंत्र कीजिए और कृष्ण जी को प्रार्थना कीजिए, बोलिए जे हे भगवान कृपा करके आप इसको ग्रहण कीजिए, और उसके बाद आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए तो भगवान को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आप वो प्रसाद ले सकते हैं और वो प्रसाद सबको बांट सकते हैं और आप आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरी बोल। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार पूरा सुजानपुर एक बार हरे कृष्णा पूरा महामंत्र बता दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय।